कौन खानोगे हेलो फ्रेंड्स, कांगड़ी सा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज वैसे टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ चिराना। और चिराना कौन कौन जा रहा है ये सारी चीजें देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो अभी बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बस वेट कर रही हूँ जिसके साथ मैं जा रही हूँ उनका। और यार मुझे ना पता नहीं था, मतलब पहले हमारा ये डिसाइड नहीं था कि वो आ रहे हैं और मैं उनके साथ जाऊँगी, क्योंकि है ना हमारी जो पूजा है ना और यश्विनी है वो दो दिन पहले चिराना गई थी, जैसे कि आप सबने देखा भी था। अगर ये पता होता ना तो पूजा और यश्विनी भी हमारे साथ ही जाती, बट कोई नहीं, उनके भाग्य में बस में जाना ही लिखा था। मेरा जो लक है वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, और मैंने सोचा पैकिंग करते करते मेरे दिमाग में आई यार अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो फॉलोवर है, उनको भी मैं बता देती हूँ कि आज मैं जा रही हूँ चिराना और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और पता है यार, पूजा ने ना काफ़ी सारी ड्रेसेस यहीं पे छोड़ दी थी, मतलब उसने ये बोला था कि जब भी तू चिराना आए ना तब है ना तू लेके आ जाना, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं दो दिन बाद में उसी की पैकिंग करूँगी। तो अभी मैं पूजा की पैकिंग कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं मेरे ड्रेस की पैकिंग भी करूँगी। और ज़्यादा दिन मुझे वहाँ नहीं रुकना है, बस दो या तीन दिन रुकूँगी मैं वहाँ पर। तो उस हिसाब से मैंने राजपूती ड्रेसेस एक और दो तीन ड्रेसेस लिए, और एक मैंने वेयर कर ही ली, आप सब देख सकते हो। सबसे पहले मिठाई लेके आऊँगी मामीसा के पास जाने का, मामीसा से मेरे को एक छोटू मोटू सा काम है तो मामीसा के पास भी जाके आऊँगी। तो फटाफट से मैं पैकिंग कर लेती हूँ और एक घंटे के अंदर अंदर सारे काम मुझे फिनिश करने हैं। ठीक है, ये कपड़े भर गए इसके अंदर। तो एक सूट मैंने ये वाला लिया है ग्रीन कलर में, और इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, या तो ये लूँ या फिर ये लूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है यार, मेरे को ये लेना है। चलो, ये दो ड्रेस हो गई, एक ड्रेस मेरी अभी आएगी पार्सल तो वो मैं बाद में रख दूँगी। हाँ, यश्विनी के कपड़े भी मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि पूजा है ना लेके गई थी जीन्स निक्कर वगैरह सारे, तो वो ऐसे बोलती है कि मुझे है ना गर्ल वाले पसंद है, क्योंकि वो है ना मतलब जो निक्कर होते हैं ना उनको वो सोचती है कि बॉयज़ के कपड़े हैं वो। तो कुछ कपड़े मैंने यश्विनी के भी लिए हैं एक दो। ठीक है गाइस, अब ये पैकिंग हो गई और चलो अब चलते हैं। जैसे कि बॉटल मेरे साथ आ गई थी गाड़ी के अंदर जब हम फार्म हाउस गए थे ना उस दिन, तो ये भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि उनका जो सेट है वो ख़राब हो जाएगा इस बोतल की वजह से। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ मामीसा के घर पे। सबसे पहले मामीसा वाला घर के वाला काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में दो तीन काम है जो मैं कर लूँगी। और यार आजकल गर्मी, मतलब कल बारिश हुई थी, बारिश के होने के बाद में मैंने सोचा था कि यार इस गर्मी से निजात मिलेगा, बट अभी तक कोई भी गर्मी में फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी उस वजह से मेरे को लगता है कि हमारी जो धरती माता है वो ठंडी नहीं हुई। बहुत भयंकर यार, चुपती चलती गर्मी का मौसम। मैंने करवाया है मौसमी का जूस, कितना हुआ? 30 रुपये। 30? क्या कर रही है? आते ही सैंडविच। किसने बनाई? तो किचन का काम भी कर लेती है क्या? क्या क्या किया बता तू? ये क्या बॉईल कर रही है? अच्छा, दाल चावल भी बना रही है। और टीनू मस्त खुश। रितिका बिस्किट ला के दिए, इतना खतरनाक तूने मिर्ची डाली उसमें है। रितिका मिर्ची का टीनू नहीं है, मेरी आदत छूट गई है। तो वो मेरे को लगता है वो 13 सैंडविच था और मैंने खा लिया और उसमें बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। हाँ, तो मेरी आदत छूट गई, क्योंकि मामी सा ही को नहीं खोल, मुंडो कौन बोल रही है और टीनू को कौन बोल रही है, मेरे क्यों बोल रही है? क्योंकि वो मेरे हिसाब से बनाया, इसके हिसाब से बनाया। हाँ, इतनी मतलब हाँ खतरनाक मिर्ची डाली। ये क्या, यहाँ कैसे लगी? अब देखिए, मैंने अभी देखा तेरी कसम, क्या कहाँ से कैसे लगी? चणक आई हुई जो पहलवान के गई थी, और पहलवान के करवा लिया तूने? हाँ, और अब देख रही हूँ क्या अभी है? मैं अब देख रही हूँ, मतलब मैं इनकी रील वगैरह शूट वगैरह सब हो गया, अब देख रही है। चल ठीक है, बाय बाय, जल्दी आना। ये दे दो भैया बंगाली मिठाई। ये मेरा बैग है और फटाफट से मुझे जाना पड़ेगा, मतलब ये यहीं पे हमारे पास में एक मंदिर है 200 फुट पुलिया के पास, और मुझे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि ऋषु के पापा क्या कहीं बाहर गए हुए हैं। वो इतना बड़ा बैग लेके मैं कैसे जाऊँ?
मैं यहीं पे थक गई ऊपर से नीचे लाने में, स्कूटी को मैं अंदर पार्किंग में। हाय, इतनी भयंकर गर्मी है, पसीने देखो हालत ख़राब हो गए। मैंने सोचा था कोई मिल जाएगा मुझे, लिफ्ट ले लूँगी, पर कोई भी नहीं मिला, क्योंकि जो रूट मेरा था ना वो, हाय मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं है। अब मैं पहुँचती हूँ डेस्टिनेशन, क्योंकि जो पुप्पो सा है वो हमारे पहुँच चुके हैं, नहीं तो डांट लगाएंगे मुझे। आई थिंक इसके जस्ट पीछे जो ब्लू कलर की है वो हमारे पुपोसा की है गाड़ी। डिग्गी को माई तक कोई अठी अठी तक के सामान ये पुपोसा आप चिराना जा रहे हैं, छाता ले आ रहे हैं चिराना ना दानी। बारिश क्यों तगड़ो मौसम कर दिया चिराना का, नहीं लक्की आदमी लेट जा रहे हैं बेबी वन है बेबी वन बेबी अगर पीर को चाव चढ़ रही है। पोपो सान ले रहा है ड्यू। ड्यू अच्छी का नहीं? नहीं अच्छी है। अच्छी है अच्छी। हमारे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिलाओ। ब्लॉक में जाओ ला। अरे अरे ये फूट रहे हो। लास्ट में थे तो बोतल ही ले लियो। अब इनके ये डिस्पोजल का एक एक रुपये क्या का देवा दन फाटेड़ा डिस्पोजल भेजे, गाड़ी को नाश कर दियो, क्रीज खराब होगी पूरी। हाँ सिक्कर तो पहुंच गए गाइस। अब सिक्कर से हमारा 30 किलोमीटर की दूरी पे चिराना बेबी वगैरह मेरा गाँव। ओ यीशु, ये क्या गंदा कर लिया यहाँ? अरे पानी भरा है इसने अभी। पानी भर के नीचे गया था। गया था क्या? और आपको मैं जयपुर लेने आई हूँ, चलोगी क्या? जयपुर चलोगी क्या? पहले बताओ क्या? बताओ जयपुर चलोगी? यीशु जी इधर देखो, जयपुर चलोगी? ऊपर देखो मेरी तरफ, इधर दिखा के ले आओगी। तो ये देखो हमारे बेबी बुआ, ये है मेरे रियल बुआ सा, इधर देख सकते हो आप भाई ने। हेलो गाइस, बीती एक भाई लिखाई के बे ये ना जिदिन थे सिक्का को मजाक उड़ा रहे बे ये ना रियल बुआ सा। सो गाइस फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि यार फिर है ना पता है नहाने से थोड़ा अच्छा फील होता है। नहा ली थी मैं, उसके बाद मैं थोड़ा सोई थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था, और अब उठते ही मुझे लग गई थी भूख। और पूजा को मैंने बोला है कि यार पूजा कुछ खाने के लिए लेके आ, तो वो बना रही है मैगी। और हमारी जो यशविनी है ना कोल्डी में घूमती फिर रही है। यशु, ओ यशविनी, उसको बुलाया हुआ जाएगी। साली गाड़ी जोरदार लग रही है कोल्डी में खड़ी। पूजा, पूजा मंकी आ चुकी है। क्यों हुआ यशु? बेबी वन तो दबे हुए छोड़ दी यशविनी देख। गुड मॉर्निंग, तो इट्स ए नेक्स्ट डे। आज हमारे सुबह पहले बारिश आना स्टार्ट हो गई है चिराना के अंदर। मैं अभी कोल्डी के अंदर हूँ, कहीं कोटड़ी भी बोलते हैं इसको, तो मैं वैसे कोल्डी बोलती हूँ, तो कोल्डी के अंदर हूँ। और मौसम खतरनाक शानदार हो रहा है हमारे चिराना के अंदर, मतलब बारिश इतनी भयंकर भी नहीं आई पर अच्छा है, मतलब बारिश आ चुकी है। और कल ना मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, मैंने मतलब पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं करी। जैसे ही मैं चिराना पहुंची थी आपने देखा भी था रात वाले व्लॉग में, तो मतलब सो गई थी मैं। अब जाके मैं उठी हूँ, नहा धो के रेडी हुई हूँ। मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी मैं बातें कर लेती हूँ। और मेरे 2-3 व्लॉग भी स्किप हुए हैं, पर मैं मतलब रीज़न आपको बताना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको मतलब शेयर करना नहीं चाहती, कुछ अपनी प्राइवेसी भी होती है, तो मैं वो आप सबके लिए नहीं शेयर कर सकती, सॉरी। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, यशविनी नहा ली, और मैं चिराना आई थी फ्राइडे।
और फिर सैटरडे आज, जो कि मैं ये व्लॉग तो वैसे आपको मंडे को मिल रहा है बट अभी सैटरडे चल रहा है और संडे को मेरा निकलने का है। जैसे कि आप मेरे को काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई साहब मैं हमसे भी मिल के जाना, बट ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने एक दो व्लॉग डाले नहीं इस वजह से। तो मंडे को आपको ये व्लॉग मिल रहा है और मैं संडे को जयपुर पहुँच चुकी हूँ। तो आप मुझे ये मत बोलना कि भाई साहब आप मिलो, क्योंकि सिक्कर से काफ़ी सारे मेरे पास डीएम आते हैं कि है ना भाई साहब आप जब भी चिराना आओ और चिराना जाओ तब आप या तो आने के टाइम या फिर जाने के टाइम हमसे मिल के ज़रूर जाना। तो अब की बार मैं नहीं मिल सकती, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी तो मैं ज़रूर मिलूँगी। आप शेयर करती हूँ, मैं ना हमारे जब भी ना ज़्यादा ज़ोर से बारिश आती है ना तो ये पहाड़ी का जितना भी पानी है ना ये यहाँ से नदी जाती है, मतलब ज़ोर से पानी आता है ना बारिश तब जाती है। अभी तो कम ही बारिश आई है, ज़्यादा जोर की बारिश आई नहीं है, मतलब कंटिन्यू 4-5 घंटे बारिश होती है ना तभी ये हमारा जो नदी है ना ये निकलती है। और ये बड़ी नदी हो जाती है स्टैंड पे जाके, मतलब सारी कोटड़ी की एक जगह मिल के बड़ी सारी नदी हो जाती है। और हमारी जो रूपा डार्लिंग है ना वो छुप रही है, मतलब एक घंटे से मैं जब से है ना मतलब यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना तब से वो ऐसे छुपे जा रही है, छुप छुप के देखे जा रही है मुझे। आ जा रूपा, है रूपा, रूपा ये यहाँ पे छुप रही है, देखो यहाँ पे रूपा, अब हटा दियो कैमरा, आजा, दोग तो दे मेरे। रूपा डार्लिंग निकल चुकी है, मैं जी रूपा तू मैं बाकी आई हूँ, तू जी निकली है ना वटी नू, आजा जयपुर ले चालू तने जुगू के करने है, कौन जाए रूपा से बोल रही नहीं जाऊंगी। बेबी आप बड़े के ऊपर चढ़े दिखा सकोगे, बेबी हुआ है स्टील बॉडी है चढ़ के दिखा ले, चलो आज तो नट जी की गट है, चलो बेबी प्रीति की सासु चढ़ जाए त्यान के ता नहीं तो जना, चलो तो आओ वीडियो में क्या को नहीं अच्छा लगे, प्रीति तू चढ़ जाएगी, मैं तो कौन चढ़ सकता, गागरा लुगड़ी में तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकता। तो प्रीति अठे नहीं है बेबी वा पतलो डाला पर मोटो आदमी चढ़ कौन सके, टूट जा तू गिल्ली डंडा होता है, ले ये दोनों लकड़ी लेके बता सबको, गिल्ली डंडा वो खेल के बताऊं, आ तो गिल्ली रो डंडो है, आ तो गिल्ली है, इया कर इया कर इया, चल तेरा तो होएगा नहीं, तीन बार मां तीन बार कर सके, चलो बेबी थे आओ, चल तो कति दूर जावे ने बत्ती दूर पचिया, बोल तो बोल तो आनो पड़े, फिरती बता किया बोल तो बोल तो आनो, एक सांस सांस छूट जाए बेटा, ये सांस छूट जाए बेटा, ये गिल्ली डंडा ले आओ, आ जाओ चनाओ जी बुज्जू मिला ले बेबी, देखे सी मैं तो घमंडी आ गयो आजकल तो आवे ही धोक धोक ही दूर जी बुझे खड़े हो हैं अत्यार पेली, अत्यार पेली तो यहाँ मत करो, हाल तो थाने पोशाक भी रानी पड़छी, ये जाबो जा रहे होगे थे, हाल तो सोना की सिट्टी चढ़छो बोली सार की है बुज्जी, चटकी आगे तो और भी तो है तो पोता, हां दो एक ही है, दो और है, दो के तीन हो गए ना आजकल, भूल गए दिक्कत कोनिया ने के तू है के पूछा ने बुज्जी, मैं कौन हूं मैं भाई सुजा में नहीं कौन बताऊं, फिरती कौन प्रीति है, और अब थे बोलो थे बोलो, मन तो जाने एक गुण है तो बेबी और मैं कौन हूं मैं काल मेरा तो फ्रेंड है ये जगह, मेरे लिए तो बस जान हाजिर है काकी, कामन कौन गा से तुम है काकी, वो काम है कामन मैं बुज्जी बताओ थाने नहीं रावड़म सबसे अच्छी बाई कौन सी लागे, तू मैं लागू ने
झूठ बोला भाई तू पहले तो मन किया था तो मन छोड़ उठ जरा अब इन क्यों है बस आउट जैसे जना दूसरी ने हाल को ना हाल बुजी बताओ मैं अच्छी हूं ना दो तीन वर्ष राख सीधा काकिन पूछा नहीं तो गई रात हो गई और मैं बाजार जाके आई थी मैंने काफी सारे कुरकुरे लिए हैं मतलब मेरे को ये है ना पुदीने वाले मतलब इस ब्रांड के मुझे अच्छे लगते हैं और ये भी मुझे अच्छे लगते हैं हाँ आपके बहुत बड़ा आ जाएंगे पेट बड़ा हो जाएगा हाँ। नहीं अश्विनी ये मुझे यहीं पे खाने के लिए मिलते हैं पता है जयपुर में मिलते भी नहीं है नहीं। अच्छा ठीक है मैं एक ले लूँ फिर ये पुदीने वाला एक ले लेती हूँ चलो अपन दोनों खाएंगे ठीक है आप कौन सा वाला लोगे ये वाला ले लो आप ये अच्छा है इसमें मिर्ची ज्यादा नहीं है अच्छा है ये या फिर ये कटोरी खानी है ये टेढ़े मेरे भी लाई हुई है देखो ये ठीक है मैं खाओ मैं तो तैयार हूँ मिले आ थे काई करे हो जयपुर वैसे कहीं के अनिल भैया देखो आप लोग गाँव और आपा छोड़ रहे हैं पुप्पो सा सास रो और पुप्पो सा देखो क्या रम्य है मैं तो सुबह तैयार हूँ बन चल गया आज आज नौ आया है दो साल ही होगी तब मंडे ना चलेंगा आप परस्ता तो कर लेंगे ना अनिल पुप्पो सा सब जाना था खाना बना दिया है तो आज खाने में बनाया मम्मी ने रायता ये स्वीट्स हो गई और मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है मम्मा ने सांगरी और ये अचार मम्मी ने डाला है तो ये मैं पहले तो पूजा को और बेबियों को देख के आ जाती हूँ और मैं क्या रोटी के ऊपर डाल के खाऊंगी सामने अरे वाह पूजा आइसक्रीम ले रही है मैं गुड्डा हूँ मंगा दूंगी बेटा ने 30 वाली ले ली एक ही है 30 वाली अभी मुझे मिल है अब आते हम क्या ढूंढू मोटी ली के जो ही ले ले पुप्पा से मोटी दी के वही ले 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 बेबिया इसी ना पावे ले जी मम्मी मैं दो दिन से ब्लॉगिंग कौन कर पा रही अगली ऑडियंस बनी कह रही है की आजकल ब्लॉग क्यों कौन दो एंड बताऊं कि मैं चिरा ना कमाई ना आएगी एक एक पोटली बनती है मम्मी मम्मी लहसुन की पोटली बनती है अब देख जिको लस्सी ना जिको जिको नाम है नीतू यह पहले खाना मतलब ये नीतू मामिसा की है ये तो नीतू मामिसा को ये वाला लहसुन पहले खाना है अच्छा और ये है पूजा वो है बेबी बाईसा बेबी बागो ये है जीतू का मम्मी यह बाद में खाना वो पहले खाना है बाद में खाना मतलब वो जल्दी खराब हो बड़ो है बहुत ही चुनो बिना नाम को यशविनी और बिना नाम मेरे ही डालो मेरे डालो अच्छा यशविनी के खातर के यशविनी ये आपने बोला था मेरे डालो इसलिए आपके इतना सा आप छोटे हो ना ये आपकी मम्मी का कीर्ति और सोनू मम्मी सह ओ कौन यहाँ मेरा ए, मतलब ये लिख दे पापा को सुने जल्दी खुद को नहीं राधा मम्मी सा कहिए राधा मम्मी सा मोटा है थोड़ा राधा मम्मी सा ये है गोपाल जी गोपाल मामू सा नहीं है रेखा मम्मी सा का पप्पू राधा पप्पू का और राधा का 5 किलो 6 किलो छह किलो है मम्मी 6 किलो और ये देखो गोपाल मामू सा और रेखा मामी सा का मम्मी सबके लहसुन लेर बैठते यशविनी नारे थोड़ा सो का आपको लेर बैठी है मार्किंग हो रही है कोई दूसरा की पोटली बना लेते जो पिटी तो कद दादा मामी से ले जाए सबसे ज्यादा ही है एरिक सारी रबड़ डाल दिए तो बेबी लहसुन है लहसुन छिलती रहना घर पे जाके तो गाइस ये है ना ये इंतजाम मम्मी ने इसलिए किया है क्योंकि प्रीति क्या जो सबसे ज्यादा लहसुन होता है वो लेके चली जाती है तो प्रीति सबसे ज्यादा मामी सा को लेर भागेगी ब्लॉग में देख लीजिए मामी सा था को थे लो है और वो कलर है माँ की तो एक गाड़ी मिल दो ऊपर से ये क्या माँ की तेरी तो है ना ए
थैले तो सारी जा रही है जयपुर मैं तो पहली कह दी मम्मी मैं तो मना ली तू मना